सरजमीन के एक होनहार फर्जंद मुहक्किक डॉक्टर और टर्मिनेटेड प्रोफेसर मेरी मुराद हैं जनाब डॉक्टर बारी नायक साहब से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। पहले कि हम बात करें, टर्मिनेटेड प्रोफेसर क्या है और आपको नौकरी से क्यों निकाला गया, आप हमारे नाजरीन को बताइएगा। पैदाइश कहाँ हुई, बचपन कैसा रहा, बड़े कहाँ हुए, पढ़ाई कहाँ हुई, तफसील से बताइएगा। एक्चुअली जो मैंने इनिशियल स्टेज में पढ़ाई की वो मैंने अनंतनाग स्टेशन बॉयज स्कूल से की। उसके बाद टेंथ के बाद मैं चला गया यहाँ से अलीगढ़ में, फिर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है, मैंने पीजी किए, मैंने पीएचडी किया। उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता था, आईएएस और केएएस की। दो तीन बार मैं इंटरव्यू में ड्रॉप हुआ है। दो सब्जेक्ट्स मैंने वहाँ चूज़ किए, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी। जब मैं तैयारी कर रहा था, मेंस में बैठा, तो दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत कमांड था। उससे पहले ही मुझे पीजी में ही जेआरएफ हुआ था क्वालिफाई ज्योग्राफी में। फिर मैंने सोशोलॉजी से भी जेआरएफ निकाला और मैंने जनरल स्टडीज से भी जेआरएफ निकाला, जूनियर फेलोशिप मिलती थी मुझे। फिर मैंने दूसरे सब्जेक्ट से भी पीएचडी किया जनरल स्टडीज से, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जब मैं ड्रॉप हो गया सिविल सर्विस में, आर्मी में एज ए स्टेट कमांडेंट, फिर गढ़वाल ने वो भी मना किया कि वो उपट मत करो, क्योंकि आपको पता ही है कश्मीर के हालात तब क्या थे। उसके बाद मैं वापस आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ 2014 में बहुत सारा करप्शन देखा। मैं आरटीआई करता था, कंप्लेंट्स डालता था। और 2016 में फिर मैं अपॉइंटमेंट हुई मेरी हायर एजुकेशन में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो मेरा डोमेन था कि मैं सोचता था एज ए सिविल सर्वेंट कौम की खिदमत करना और लोगों की खिदमत करना, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने 2016 से 2021 तक सर्विस दी हायर एजुकेशन में। मेरी 5-6 बार ट्रांसफ़र हुई। एक इस कॉलेज में जस्ट मुझे 7 दिन बाद ही ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि पता था कि अकाउंटेबल सिस्टम हो। इसी जिमरन में 2017 में क्या हुआ, 2017 में बहुत सारी रहबर खेल जो पोस्ट निकले थे उसमें बहुत सारा करप्शन था। उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स थे, फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बहुत लोगों को एज ए मतलब रहबर खेल अपॉइंट किया गया। तो उस पर मैंने बात उठाई, उसको चैलेंज किया। तो डीसी साहब ने मेरे प्रिंसिपल को डायरेक्ट किया कि एक कमेटी बिठाइए और इसकी इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि ये सीएसआईआर रूल्स को मतलब वायलेट कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रिंसिपल साहब ने जो कमेटी बिठाई, कमेटी में उन्होंने सीधे मेरे फेवर में रिपोर्ट की आ गई मेरे फेवर में, और उसमें सीधे था ये टैलेंटेड है, ये कभी भी सीएसआर रूल्स जो है उनको वायलेट नहीं करता है। तो उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने प्रेशराइज़ किया मेरे प्रिंसिपल साहब को कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट दे दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल साहब, बहुत सल्यूट करता हूँ मैं उनको, उन्होंने मेरे मतलब जो रियलिटी थी उन्होंने वही लिखी उस पर। उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र की गई। उसके बाद 7 दिन बाद मेरी भी ट्रांसफ़र हुई, लेकिन मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, मेरी ट्रांसफ़र रुक गई। उसके बाद उन्होंने प्रेशराइज़ किया पुलिस को, मीन्स डीसी साहब ने प्रेशराइज़ पुलिस को किया। मुझे थर्ड लेवल एक्टिविटीज़ में पर्चा दिया गया। फिर एक सरपंच था यहाँ पर जो यहाँ मतलब मंडोली करता था, पैसे लेता था लड़कों के पेरेंट्स से, कहता था वरना मैं उठाऊंगा, मिसयूज़ करता था जो हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे बेचारे है या पूरे रीजन में है जम्मू एंड कश्मीर में, उनकी वर्दी पे धब्बा लगाता था, कहता था आपको वो बुलाते हैं वो बुलाते थे, मंडोली करता था, 5,000-10,000 लेता था। मैंने उस मसले को भी उठाया, तो उसने भी एनसी की गवर्नमेंट के थ्रू, डीसी भी शमीम साहब भी एनसी का सपोर्ट करते थे, उसीलिए उन लोगों ने मुझे पर्चे 2 लगाए। और अभी रिसेंटली उस पर्चे में 13 यूएलएपी को विदड्रॉ किया गया और निकाला गया। और उसके बाद मुझे 2021 में अरेस्ट किया गया, 18 मंथ्स नियर अबाउट में जेल रहा, 2 जेलों में। और माइंड में यही था कि मैं किस वजह से जेल पहुंचा, जेल में भी यही सोच रहा था। फिर मैंने कहा करप्शन को मैं हटाना चाहता था, इसीलिए मुझे इतनी सज़ा मिली, मैं टर्मिनेट हुआ, मेरी हर एक चीज़ इन्होंने स्पॉइल की, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने वही डिसाइड किया, मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं दोबारा फाइट करूंगा, फाइट अगेंस्ट करप्शन, मैं करप्शन को नेस्त नाबूद करूंगा जम्मू एंड कश्मीर में। फिर मैं आ गया, 2022 की बात है, मैंने दोबारा कंप्लेंट्स डालना शुरू किया, मैंने दोबारा हाईलाइट करना, मैंने स्टिंग ऑपरेशंस किए, मैंने करप्शन की कमर तोड़ दी। यहाँ बड़े बड़े चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे फेक टीचर्स हो, चाहे फेक प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में हो, उन पर चोट पहुँचाई मैंने। और
इवन डरा हुआ है सिस्टम, क्योंकि करप्शन बहुत था। अभी भी अगर आप किसी भी बंदे को ये कहेंगे कि आपके डिपार्टमेंट के बाहर डॉक्टर बारी है तो पूरा डिपार्टमेंट हिलता है, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं लूप होल है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने पद यात्रा स्टार्ट की 2023 में। 1 अगस्त को मैंने 350 किलोमीटर कुलगाम का एक एक चप्पा छांड मारा। मैंने रियल प्रॉब्लम्स देखी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, क्या थी। अनंतनाग में 550 किलोमीटर, पुलवामा में 200 किलोमीटर, शुपियन में 250 किलोमीटर। उसी हिसाब से 10-20-30 किलोमीटर नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट को भी कवर किया। और टाइम आता गया जनवरी फरवरी, और फिर बर्फ हो गई। और उसके बाद मैंने सिटिंग ऑपरेशंस किए। सिटिंग ऑपरेशन मैंने बारामूला में किया, कुपवारा में किया, अनंतनाग में, कुलगाम में, पुलवामा में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने सिटिंग ऑपरेशन किया, ताकि जो सोसाइटी में सबसे बड़ा कैंसर जो है करप्शन का, उसको निकालने की कोशिश की। मैंने लैंड माफिया को हाईलाइट किया, मैंने प्राइवेट स्कूल माफिया को, मैंने इलीगल माइनिंग माफिया को, मैंने कोल्ड स्टोरेज माफिया को, मैंने हाई डेंसिटी प्लांटेशन की माफिया को, मैंने जो फर्टिलाइजर्स का माफिया है, जो दवाओं का माफिया है, जो इलीगल सर्टिफिकेट्स का माफिया है, उन सबों को मैंने हाईलाइट किया। और हर एक कस्टिंग ऑपरेशन करके मैंने सिस्टम को एक्चुअल आईना दिखा दिया, रियली में क्या होता है सिस्टम और ऑफिशियल्स को क्या करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टरों के साथ आपको बनती नहीं है, प्राइवेट स्कूल के सिस्टम से आप खिलाफ हैं उसके, और पटवारी और तहसीलदार को आप छोड़ना नहीं चाहते, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, मैं तो हर एक बंदे के खिलाफ नहीं हूँ। सोसाइटी में अगर आप देखेंगे, हार्डली 2-5% लोग करप्टेड है, जो रियली में करप्शन लेते हैं, और 4-5% लोग उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मजबूर है। जो 90% पॉपुलेशन है वो कभी नहीं चाहती है यहाँ करप्शन करना, और ना वो फेक है। डॉक्टर्स की बात करें, हार्डली 2-3% लोग करप्टेड है। अब वही रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी उतने ही होंगे, वही टीचर्स भी उतने ही होंगे, हार्डली 2-3%। जो बाकी 97% डिपार्टमेंट्स में, वो ऑनेस्ट है, लेकिन वो मजबूर है। उनको कभी कॉल आता है ये करो, वो मजबूर होके, मतलब डर की वजह से कहीं ना कहीं कोई छोटी छोटी गलतियां करते हैं। लेकिन जब हम उन करप्टेड बड़े मगरमच्छों को सिस्टम से निकालेंगे, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम चेंज हो गया, वो तो डरने वाली बात नहीं। और डर उसी को लगता है जिसमें चोरी होती है, दिल में चोरी होती है। जो ऑनेस्ट होगा उसको कोई डरने की बात नहीं। जैसे मैं कभी नहीं डरता हूं, मुझे इवन जेल भेजा गया, मैं 18 महीने जेल था, मुझे टर्मिनेट किया गया, मैं दोबारा जेल में रहता हूं, मुझे कोर्ट में कितने केसेस चल रहे हैं डिफेमेशन के, बाकी के, मैं तो कभी नहीं डरता हूं। तो उनको क्या डरने की बात है, जो ऑनेस्ट होगा वो नहीं डरना। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव होने वाले हैं लोकसभा की, यहाँ पे आप उस हवाले से आपका जो मैनिफेस्टो है उस हवाले से बताइए कि हम खबरें ये भी गश्त कर रही हैं कि बारी साहब इसमें खुद जो है पार्टिसिपेट करेगा। देखिए, मैंने 2014 से शुरुआत की थी, 2017-18 में मेरी टीम बहुत बड़ी बढ़िया काम कर रही थी। उन्होंने नियर अबाउट 30-40 लाख इन्वेस्ट किया बहुत सारे स्कैम्स पे। इतने सालों में, 10 सालों में हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया बड़े बड़े स्कैम निकालने की, बड़े बड़े फेक डिग्रीज निकालने की। और माशाल्लाह 2018-19 में हमारी बहुत बढ़िया टीम थी, लेकिन उसके बाद मैं जेल चला गया, तो कहीं ना कहीं टीम बिखर गई। उसके बाद मैं दोबारा वापस आ गया। आज माशाल्लाह 4,500 बंदे हमारे टीम में हैं। फाइट अगेंस्ट करप्शन, यही हमारा मेन स्लोगन है, फाइट अगेंस्ट करप्शन। 4,500 यूथ, उसमें मैक्सिमम यूथ है, ऑफिशियल्स भी है, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है, उनमें बहुत सारे लेबर भी है, उनमें बहुत सारे कारपेंटर भी है। हमें हर एक माशरे के, हर एक तबके के, उस टीम को हमने सिलेक्ट किया जो हमें कहीं डायरेक्टली मतलब काम आता है, या कहीं इनडायरेक्टली काम आता है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमें मशवरा भी देते हैं, वो हमें हर एक चीज़। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, PAGD का आपको पता ही था मसला, 20 मार्च तक इन लोगों का मसला था, PDP NCA एक साथ लड़ेंगे। मैं भी उसी में खुश था, मैं सोच रहा था कि जो ये साउथ पार्लियामेंट्री सेगमेंट है, इसमें शायद ये तारीगामी साहब को उन्होंने रखा है वहां, तो मुझे लग रहा था वही उठेंगे। और मैं बहुत खुश था, क्योंकि तारीगामी रियली में अल्टीमेट लीडर है। और मैंने सोचा था सेंटर पार्ट से इनके साथ मतलब होटल मतलब जो कहेंगे जेल में रहे हैं वो डॉक्टर राजा मुजफ्फर एक्टिविस्ट है, उसको समझ है, हर एक चीज की समझ बूझ है, तो मैंने सोचा था उसको दे देंगे। और नॉर्थ से मैंने सोचा था वो बेचारा 5-6 साल से वो इंजीनियर रशीद जेल में है, मे बी ये कंबाइन होके सोचे वो जेल में है, उसको पहले रिहा करवाए और वही लड़ेगा इलेक्शन, और वो कल पार्लियामेंट में बात करेगा, यही मैं सोच रहा था। और जो जम्मू वाला रीजन है, मैं सोच रहा था वो चौधरी लाल सिंह बहुत ऑनेस्ट लीडर है, बहुत अच्छा लीडर है, या रमन बल्ला साहब, उनको ले लेंगे ये, या किसी एक्टिविस्ट
को ले लेंगे और उससे लड़ाएंगे। मैं भी खुश था, मैंने सोचा था मैं कंपेनिंग धूमधाम से करूंगा इन कैंडिडेट्स की, क्योंकि ये हमारी इज्जत का मसला है, ये हमारी जमीन का मसला है, ये हमारे जॉब्स का मसला है, ये हमारे करप्शन इराडिकेशन का मसला है, ये हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट का मसला है जहां से बिल्स आज 1800-2000, ये हमारे ग्रोवर्स का मसला है, हॉर्टिकल्चर लैंड का मसला है, ये सब मसले खत्म हो जाएंगे जब ये सिलेक्ट होंगे हमारे पार्लियामेंट में, इनको बात करने की जरूरत है। लेकिन अचानक सुनते हैं कि एनसी कह रही कि हमारा तो कोई गठबंधन ही नहीं है इनके साथ, पीडीपी कहते हैं यमकम गई, यमई अलग ऐसे अलग, और फिर मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने सोचा देखो हम कौन 5 साल से हमारा बच्चा वेट कर रहा था कि ये एक साथ लड़ेंगे, और इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया। हमारी टीम ने 450 लोगों ने डिसाइड किया करना क्या है, इन्होंने कहा चलो हम ही लड़ेंगे। मैंने कहा बताओ कौन सा एक्टिविस्ट है उसी को उठाएंगे। उन्होंने जब कहा, हमने अच्छे अच्छे रिलीजियस स्कॉलर से बात की आप उठे, लेकिन उन लोगों ने सब उन्हें मना किया। इवन चंद आजकल उनमें जेलों में भी है, उनसे भी हमने बात की आप लड़िए, वो कहने लगे नहीं हम अगर ये लड़ेंगे तो हमें टैग ऐसे लगे। हमने सोचा हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम लोगों तक बातें पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली मना किया नहीं हम नहीं उठ सकते हैं। फिर हमने अच्छे अच्छे लोगों से कहा, उन्होंने मना किया, फिर टीम ने कहा हमें आप जैसा बेस्ट है ही नहीं कोई, हम आपको ही उठाएंगे। मैंने कहा चलो, लेकिन मैं आपके ही बात पे, क्योंकि आप एक टीम हो, आप अपने कप्तान को ही चुनोगे, वो ठीक नहीं रहेगा। फिर हमने एक सर्वे किया, सर्वे में अगर अभी भी देखेंगे फॉर्म आए हैं हमारे 11,000 में 10,000 ने सपोर्ट किया डायरेक्टली कि नहीं आप लड़ो पार्लियामेंट, सीधे उनकी साइन भी है, हर एक चीज है उनका, तो 10,000 लोगों ने सीधे कहा कि आप लड़ो, और 1,000 ने कहा कहीं आप शाह फैसल तो नहीं हो जाओगे, कहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि सबों ने मैनिफेस्टो दिए, फिर अगले 5 साल वो दोबारा वैसा का वैसा हो गया। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, जो लोगों की राय होगी, और मैंने उसी दिन कहा, ये मेरी टीम के मेंबर भी इर्द गिर्द है आपके, मैंने उसी दिन इनसे कहा कि अगर हमें 70% से ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे तब मैं लड़ूंगा, यही शर्त थी। तब फिर 89.8% लोगों ने कहा कि आप लड़ो, फिर मैं भी खुश और मेरी टीम तो उससे भी ज्यादा खुश। लेकिन हमेशा जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, हमेशा मैंने प्लान ए जब बनाता हूं तो मैं प्लान बी भी बनाता हूं, सी भी। जैसे मुझे कोई स्टिंग ऑपरेशन करना होगा, मैं 3 बंदूकों तैयार रखता हूं, फिर बी प्लान में 3 और बंदूकों और सी प्लान में और 2 बंदूकों। क्यों? क्योंकि ए प्लान फेल हो गया, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा। वही पॉलिसी हमने यहां पर भी खेली, क्योंकि हमें पता था ये हम जो लड़ रहे हैं ये बड़ी बड़ी जो मगरमच्छ, पॉलिटिकल मगरमच्छ है, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे बीजेपी हो या अपनी पार्टी हो, ये बड़े मगरमच्छ है, ये बहुत बड़े डॉन है, इनके पास पैसा है, इन्होंने बर्बादी की है कश्मीरियों की, जम्मू वालों की, हर एक बंदे की बर्बादी की है, इन्होंने इवन खून के आंसू रुलाए हर एक कश्मीरी को, यहां पर खून के आंसू रुलाए। उसी दिन हमने सोचा प्लान ए, हर एक का फोकस जाएगा डॉक्टर बारी पे। हमने प्लान बी एग्जीक्यूट किया, हमने प्लान सी एग्जीक्यूट किया, 3 बंदों को हमने फॉर्म भरवाया। मेरा तो पहले ही आपको पता ही है कितनी बड़ी ट्रेजरी हो गई, जो इन्होंने प्लान किया था पॉलिटिकल पार्टीज ने, उनका प्लान तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जो हमने 2 अल्टरनेटिव बंदों को उठाया, फिर हमने एक उसमें सिलेक्ट किया और एक ने फॉर्म भरा, माशाल्लाह उसका अब ये सिंबल भी मिल गया। और फिर उसके बाद, क्योंकि 10 साल की मेहनत की वजह से हमने 15 पॉइंट्स बनाए, मैं लोगों को इस जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ज्योग्राफिकल एरिया, इसको मैं चाइना के साथ जोड़ने वाला नहीं हूं, इसको मैं रशिया के साथ जोड़ने वाला नहीं हूं जैसे पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है, इसको मैं सेल्फ रूल नहीं दूंगा, ऑटोनॉमी नहीं दूंगा, लेकिन ये 15 पॉइंट्स विद इन दीज 5 ईयर्स में मैं इंप्लीमेंट करके दे दूंगा। मैंने 15 पॉइंट्स का बनाया है एक मिशन, उसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसी को लोगों के सामने लाएंगे, और वही 15 पॉइंट्स लोगों की प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन विद इन 1 ईयर में हम कर देंगे और सब खुशहाल। अगले इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने इस बार वोट दिया, मेरे मरते दम तक आप डॉक्टर बारी की ही टीम को वोट दोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, जरूरी नहीं मैं लड़ूं, जरूरी नहीं मैं रहूं, जिन लोगों ने ये किया वो मुझे कल असैसिनेट भी करवा सकते हैं, उन्होंने सुपारियां दी होगी, अब अल्लाह के हाथ में है, रब के हाथ में है, जहां तक उसने मुझे जिंदगी बख्शी होगी वहां तक मैं जिंदा रहूंगा, वो लोग मेरे को क्या मारेंगे। बारी साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिन लोगों की वीक परफॉर्मेंस रहेंगे जो करप्ट होंगे, नेपोटिज्म, ट्रांसपेरेंसी, आपको क्या लगता है इस पे आप क्या करने वाले हैं? मैंने सीधे 15 पॉइंट दिए हैं, वो 15 पॉइंट जब लोग देखेंगे उनको खुद पता लगेगा। और देखिए मेरा कार्ड आप देखिए, हर मार्क्स कार्ड होता है या ग्रेड कार्ड, ग्रेड कार्ड में हम देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट इसका वीक रहा और कौन से सब्जेक्ट में इस बंदे ने मेहनत की है। ग्रेड कार्ड में 10 सालों का देख लीजिए, मैंने कौन सी तबाही मचा रखी है, करप्टेड लोग डरते हैं, बिल में छुप जाते हैं, तो आप देखिए जब आप मुझे पावर दोगे तो उनका हाल क्या होगा, वो तो जानते ही है। फिर आप नेक्स्ट 5 साल मत चुनिए मुझे, एक बार तो मुझे चांस दे दीजिए। देखिए पीडीपी को आजमाया, बीजेपी को आजमाया, एनसी को आजमाया, आप कहेंगे बीजेपी को कैसे आजमाया, बीजेपी और पीडीपी ने 2014 में यहां गवर्नमेंट बनाई और 10 साल आपने बीजेपी को आजमाया, अब एक बार आप डॉक्टर, अब आप कहेंगे कि नई 2-1-2-3 पार्टियां आ गई, वो एक्चुअली जो है
वो शाख उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की है। अगर आप देखेंगे पीडीपी से ही तो चंद लोग निकले, कांग्रेस से ही तो चंद लोग निकले, टूटी हुई शाखें हैं, वो वही बर्बादी करेंगे जो पिछली पार्टीज ने की।